तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट कैपेसिटर के बारे में कि स्टार्ट कैपेसिटर के ऊपर एक रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है। ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं यह स्टार्ट कैपेसिटर में हमें देखने को मिलता है। तो क्या हम इस रेजिस्टेंस को रन कैपेसिटर में भी लगा सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि रेजिस्टेंस को लगाने का फ़ायदा क्या है, स्टार्ट कैपेसिटर में ही ज़्यादातर हमें देखने को क्यों मिलता है, और ये स्टार्ट कैपेसिटर में भी हमें सभी कैपेसिटर में ये जो है यह रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में यही के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर रेजिस्टेंस जो है स्टार्ट कैपेसिटर में लगाया क्यों जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक नोटिफिकेशन का बैल होगा उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक को पहुंच सकेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये स्टार्ट कैपेसिटर जो है ये इसमें स्टार्ट कैपेसिटर में रेजिस्टेंस को क्यों लगाया जाता है। तो ये कैपेसिटर जो है मोटर के लिए बना होता है। स्टार्ट कैपेसिटर जो होता है इसे हम लोग मोटर में लगाते हैं। होता है क्या कि यह कैपेसिटर जो है मोटर को स्टार्ट करता है, उसके बाद यह कैपेसिटर जो है साइड हो जाता है। तो इसके नाम से ही आप ऐसे जान सकते हैं स्टार्ट करना यानी कोई भी चीज़ को स्टार्ट कर देना है सिर्फ। तो ये स्टार्ट कैपेसिटर जो है मोटर में लगाया जाता है मोटर को सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। तो अब होता क्या है कि जैसे मोटर जो है कोई भी मोटर स्टार्ट हो जाए उसके बाद यह कैपेसिटर को जो है लाइन कट जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि ये कैपेसिटर का जब लाइन कटेगा, अगर पहले से यह लाइन में सटा हुआ है और यह कैपेसिटर जो है अचानक से साइड हो जाएगा तो इसमें क्या है कि ये करंट रह जाएगा, इसमें वोल्टेज रह जाएगा। तो उसी करंट को जो है वोल्टेज को जो है यह ख़त्म करने के लिए इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है ताकि ये रेजिस्टेंस जो है उस वोल्टेज को पी जा सके, वह इसमें से जो है ये वोल्टेज ख़त्म हो सके, करंट जो है ख़त्म हो सके। इसी के कारण से जो है स्टार्ट कैपेसिटर में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। लेकिन यह रेजिस्टेंस हमें सभी कैपेसिटर में क्यों नहीं मिलता है, तो देखिए ये इसलिए हमें नहीं मिलता है कि जिसमें अगर आप देखेंगे कि तार निकला हुआ है जिस स्टार्ट कैपेसिटर में उसमें हमें ये रेजिस्टेंस जो है नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई भी हम लोग पिन वाला स्टार्ट कैपेसिटर लेते हैं तो वो में हमें देखने को मिलता है। तो क्या हम लोग इसे तार वाला स्टार्ट कैपेसिटर में लगा सकते हैं, तो बिल्कुल यह लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जिसमें नहीं भी लगा हुआ है तो हमें अलग से उसमें एक लगा देनी चाहिए। नहीं लगाए ऐसे फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो है उसे लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसे लगा ही देनी चाहिए, उसी में ठीक रहता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये रन कैपेसिटर में भी हम इस रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ पे भी रन कैपेसिटर में भी जो है रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है यह वोल्टेज को डिस्चार्ज करने में काम देता है, यानी चार्ज को डिस्चार्ज करने में यह रेजिस्टेंस काम करता है, जिसके कारण जो है आप ये रन कैपेसिटर में भी लगा सकते हैं रेजिस्टेंस को और ये स्टार्ट कैपेसिटर में भी रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। हम जैसे कि आपको बता दिए कि ये रेजिस्टेंस को जो काम होता है सिर्फ और सिर्फ चार्ज को जो है डिस्चार्ज कर देने के लिए जो है या ये कैपेसिटर में जो है रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। तो अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे किसी एक अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।